बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है, अपने बच्चों का एडमिशन मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है, जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। आगामी 19 जनवरी को बिहार सरकार के निर्देश पर बनाई जाने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए अमनौर प्रखंड मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक मढ़ौरा SDO विनोद तिवारी के अध्यक्षता में हुई। बैठक में मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु तैयारी पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि अमनौर प्रखंड में अमनौर सुनो अमनौर भेल्दी तथा अमनौर पचरौर के 35 किलोमीटर सड़क मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें 70,000 मानव संख्या में हर 200 मीटर पर एक कोऑर्डिनेटर, हर 2 किलोमीटर पर एक सेक्टर पदाधिकारी तथा हर 5 किलोमीटर पर एक जोनल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इस कार्य में जीविका, आंगनबाड़ी, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग के लोगों को इस अभियान में शामिल होने के लिए बल दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से मढ़ौरा SDO विनोद तिवारी के अलावा BDO विभव विवेक, CEO सुशील कुमार, BEO विश्वनाथ मिश्र, CDPO वर्तिका सुमन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुमार गौरव, प्रभारी कृषि पदाधिकारी जयप्रकाश प्रसाद, BRP अनंत देव हरिवंशी, जीविका के प्रबंधक सुरेंद्र माझी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। इस मानव श्रृंखला निर्माण में अपनी हिस्सेदारी देकर हमें पूरा करना है, कामयाब बनाना है। आप जानते हैं आपके यहाँ मेन रोड जो है अमनौर बाजार से लेकर सोनहो चौक तक है, उसके बाद फिर अमनौर से लेकर पचौर तक, फिर अमनौर से फेर दी और एक और रायपुरा से वसीपुर तक का एक सब रूट है। मेन हमारा फोकस जो है वो आप इस अनुमंडल का जो मसरक से आ रहा है रूट मानव श्रृंखला अमनौर।